मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो DRDO सेक्शन टेक्नीशियन ए का टेस्ट होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपके लिए बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ना पुराना कुछ चीज़ मैंने पहले बता देता हूँ, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बोला जाता है जब कोई चीज़ की तैयारी होता है तो सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, और DRDO ने पूरा प्रॉपर सिलेबस दिया नहीं है, तो आपको थोड़ा मेरा ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा इस सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो एग्ज़ाम्स होगा वो एक ही बार में ही होगा, वन से वीडियो होगा, जिसके अंदर में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए है नॉन टेक्निकल, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, और सेक्शन बी है टेक्निकल आपकी ट्रेड की, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। आज इस वीडियो में मेनली हम सेक्शन ए की सिलेबस के बारे में, सेक्शन ए की मतलब नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है उसके बारे में जिक्र करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सेक्शन ए में जो चीज़ से क्वेश्चन आने वाला है वो है क्वांटिटिव एबिलिटी, मतलब मैथ से क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, ठीक है। तो हम ठीक है बारी बारी जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटिव एबिलिटी में जो मुख्यतः तो जो चीज़ आने वाला है, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम में समय बहुत मैटर करता है। आपको 2 घंटा यानी 120 मिनट में 150 सवालों का जवाब करना पड़ेगा, तो ठीक है, इसमें कोई हार्डर मैथ देगा नहीं, तो सिंपल्स मैथ रहेगा। तो आप इस टॉपिक्स के बारे में अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्वांटिटिव एबिलिटी के अंदर में आपका मेंसुरेशन, मतलब जो एरिया और वॉल्यूम वाला जो प्रॉब्लम होता है, आपका परसेंटेज से सवाल आ सकता है। थर्ड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फोर्थ है प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन और सीरीज, मतलब ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। लगभग 3 महीने बाद इसका एग्ज़ाम्स होने वाला है। आप अगर डेली थोड़ा थोड़ा करके मैथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये एग्ज़ाम में मैथ्स पोर्शन से काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ में बाकी एग्ज़ामों की तरह इसमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हार्डर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका हार्डर प्रॉब्लम आएगा नहीं। सिंपल क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट वाला सिंपल क्वेश्चन आएगा, जिसमें कैलकुलेटिंग भी बहुत कम रहेगा, ठीक है। जैसे मेंसुरेशन पोर्शन का सारा फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए, सीरीज कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल परसेंटेज कैसे निकालता है वो आपको पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए तो ना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रॉब्लम मेरा ख्याल से नहीं देगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज भी बिल्कुल सिंपल सा इसका रहेगा, जैसे आपका सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स वाला, आर्टिकल प्रीपोजिशन वाला होगा, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत सारे शब्द को एक शब्द में उसका क्या होता है वो कुछ रह सकते हैं, कुछ स्पेल चेक वाला प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपको बता देगा ये 4 स्पेलिंग दे देगा, वो स्पेलिंग से के अंदर में कौन सा स्पेलिंग सही है ये आपको, और सिंपल कुछ ठीक है माने सिंपल फ्रेजल वर्ब उसमें रह सकता है, और एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से कुछ क्वेश्चन रह सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक है इंग्लिश सेक्शन में आपको 4-5 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, तो ठीक है। इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, दिन में ठीक है थोड़ा स्लॉट का इंग्लिश पढ़ाई आपके लिए काफ़ी होगा। आप ठीक है ये जो मैंने चीज़ बताया इसको आप बारी बारी देख सकते हैं, और ठीक है आप ठीक है वीडियो को रिवाइंड करके
पॉज करके ये सारा चीज़ आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और मैं जैसे ठीक है वेटेज दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए। फिर हम आते हैं ठीक है रीजनिंग के बारे में। ठीक है रीजनिंग में आर एस अग्रवाल और लूसेंट का जो किताब है उसको आप थोड़ा ऊपर ऊपर देख सकते हैं, उसको आपका रीजनिंग वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। जिस टॉपिक में आपको ध्यान केंद्रित करना है, एक है ठीक है सीरीज़ में आप थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिएगा। डाइस का प्रॉब्लम जो है उसमें आप थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिएगा, और जो नॉन वर्बल टाइप होता है पिक्चर वाला सवाल आता है तो चार पांच पिक्चर दे देता है, बोलता है इसके बाद वाला पिक्चर कौन सा होगा, इस टाइप ऑफ सिंपल वाला आप रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपको बहुत अच्छा होगा, आप मैंने तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी अच्छे से सही से अटेम्प्ट करके आ पाइएगा। मैंने से इसके बाद मैं बोलूँगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है जनरल ठीक है अवेयरनेस का बहुत वास्ट सिलेबस है, आपने अगर पहले से पढ़े रखे होंगे तो ठीक है इसमें आपको हेल्प मिलेगा। और ठीक है जनरल ठीक जो ना अवेयरनेस का सवाल है इसको मैक्सिमम लोगों का ठीक बिल्कुल नहीं होता है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, आप ठीक है ऊपर ऊपर ठीक है देख लीजिए। ठीक है जनरल ठीक अवेयरनेस में मैं बोलूँगा जो स्टैटिक जीके हैं, स्टैटिक जीके मतलब जो जीके परिवर्तित नहीं होता है टाइम के साथ में, मतलब ठीक है उसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स ही वाला एक बार देख मतलब लीजिएगा, उससे सवाल देखा जा सकता है। और ठीक करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलूँगा अभी से 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, मैंने अभी से आप डेली न्यूज़ देखना शुरू कीजिए ध्यान से। आप डेली शाम को एक बार आप दूरदर्शन का जो न्यूज़ होता है वो अगर आप देख लेंगे आपका ठीक करंट अफेयर्स वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है इसके लिए कोई अलग से तैयारी का ज़रूरत नहीं। ठीक है सबसे ज़्यादा तैयारी आपको जो जो करना है वो है जनरल साइंस। ठीक है जनरल साइंस के अंदर में सबसे ज़्यादा तैयारी आपको फिजिक्स का करना है, क्योंकि पिछले सालों का क्वेश्चन से देखा गया है DRDO ने फिजिक्स के ऊपर बहुत जोर देता है, मतलब ठीक है इसीलिए आपने जो फिजिक्स का पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कीजिएगा। फिजिक्स का पोर्शन को तैयारी करने के लिए आप ऊपर ऊपर ठीक है लूसेंट को देख लीजिए आप। ठीक है 3 महीना है, आपने अगर NCERT का किताब लेंगे क्लास 7 से लेकर 10 तक का फिजिक्स पोर्शन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ DRDO नहीं, कोई भी एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं साइंस के लिए। मैं ठीक है तो आप साइंस के ऊपर ये जो जितना सेक्शन ए का जितना सारा पोर्शन है आप साइंस के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है। तो अभी मैं आता हूँ सेक्शन बी की तरफ, मतलब जहाँ पे आपका सवाल है आपका ट्रेड थ्योरी से है, मतलब आप जिस ट्रेड के हैं उसी ट्रेड का थ्योरी को आपको पढ़ना है। मैंने देखिए मैं मैकेनिकल से हूँ तो फीटर टर्नर मशीनिस्ट के बारे में कुछ गाइडलाइंस मैं आपको दे सकता हूँ। मतलब ठीक है सेक्शन बी के लिए मेरा फुल प्लानिंग है कि आपको एक मैंने तो ना कंप्लीट तैयारी कराऊंगा फीटर टर्नर और मैंने मशीनिस्ट के लिए। फ़िलहाल मैं यहाँ पे जिक्र थोड़ा बहुत कर देता हूँ, आप आगे से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सेक्शन बी के लिए जो लोग फीटर टर्नर मशीनिस्ट से हो वो सबसे पहले अपना जो बुक्स है आपने ITI में जो बुक्स पढ़े हैं या बलबीर सिंह का या रॉयल का पढ़े हैं उसको आप ठीक है बढ़िया से स्टडी कीजिए फ्रॉम शुरुआत से लेके एंड तक। ठीक है 2-3 बार उसको रीडिंग कर लीजिए। रीडिंग करने के बाद आपका नेट में बहुत सारा YouTube में चैनल मिल जाता होगा जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता है। ठीक है तो कुछ चैनल के साथ आप ठीक है जुड़े रहिए, वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। मल्टीपल चॉइस के लिए दो मैंने बढ़िया बुक्स हैं, एक है बलबीर सिंह जी का और एक है ठीक है रॉयल का। ये दो बुक्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ये आप पूरा देख लीजिए, मतलब ठीक है। इसके बाद निमी लर्निंग ऑनलाइन में फिटर ट्रेड के लिए
कुछ क्वेश्चंस दिया है, ये तो हिंदी वाला अभी अपलोड नहीं किया है। मैं फिर से बता देता हूँ, निमी लर्निंग ऑनलाइन में फीटर में इंग्लिश का कोई कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको देख लेना है, मतलब ठीक है। और मतलब ठीक है, इसके बाद और क्या बोलूँ, मैंने आप लोग ठीक है अच्छे से अपना ठीक है तैयारी करते रहो, मैंने आपने जो मेरे को इतना समय दिया आप, इसलिए आपको धन्यवाद। और मैं आपके साथ हमेशा हूँ, और आपका ठीक है एग्ज़ाम तक आपके मैं साथ में रहूँगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।